ओके, नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिटशॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे एम्बेडेड कंट्रोलर। क्या एम्बेडेड कंट्रोलर या फिर उसे सुपर आयो चिप, सुपर आयो चिप ये भी कहा जाता है, ठीक है। और हम इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ईसी। क्या कहते हैं? ईसी, ठीक है। एम्बेडेड कंट्रोल इज अ चिप दैट फंक्शन एज बोथ माइक्रो कंट्रोलर एंड इनपुट आउटपुट चिप, ठीक है। एम्बेडेड कंट्रोल क्या है? एक चिप है और एक फंक्शन, उसका जो फंक्शन होता है वो इनपुट आउटपुट चिप को, सॉरी इनपुट आउटपुट जो हमारे जो सेक्शंस है उसे कंट्रोल करने का काम ये एम्बेडेड कंट्रोलर चिप करता है, या इसे इनपुट आउटपुट चिप भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, ये जो एम्बेडेड कंट्रोलर चिप है ये इनका जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, एक SMSC, ये एक सुपर आयो चिप है। मतलब SMSC क्या है, ये मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद ENE, ये भी एक मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद ये विनबॉन्ड आप देख रहे हो, ये क्या है, नेशनल सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये वाले सब चिप होते हैं जो एम्बेडेड कंट्रोलर कहलाते हैं, ठीक है। अभी देख सकते हो आप, एम्बेडेड कंट्रोलर हैज आरटीसी 32.768 किलोहर्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। आरटीसी का मतलब क्या होता है, ये क्रिस्टल होता है। और हर एक जो सुपर आयो चिप होता है, जो एम्बेडेड कंट्रोलर चिप होता है, तो इस चिप के बाजू में ही उसे दिया जाता है। जैसे अभी ये आप देख सकते हो इस डायग्राम में, यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो है ये काले कलर का छोटा ये क्रिस्टल है, ठीक है। तो मैं आपको और दिखाता हूँ, सर नेट पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो हो गए उसके जो मैन्युफैक्चरर है उसके बारे में जानकारी दिया अभी मैंने। और अभी हम देखेंगे कि ये जो चिप होती है, ये चिप का जो नंबरिंग होता है, वो नंबरिंग स्टार्टिंग उसका जो स्टार्ट होता है वो KB से, PC से और WPC से, ठीक है। अभी हम इसी चिप पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे KBC, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी KB, यहाँ पे KB है इस चिप में। यहाँ पे देखिए WPC, यहाँ पे देखिए PC है, ठीक है। यहाँ पे नीचे PC है, ठीक है। इस तरह से इस चिप का जो नंबरिंग होता है स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो है, ये इस चिप का इंटरनल डायग्राम है, इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। देखिए ये जो चिप है, ये अलग अलग सेक्शन के लिए इंटरनल बसेस प्रोवाइड करती है और कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे अभी ये जो मेन लाइन से आप देख रहे हो, ये बसेस है, देखिए इंटरनल बस इसे कहलाएंगे, और ये कंट्रोल सिग्नल, यानी फॉर एग्जाम्पल ये GPIO पोर्ट है, ठीक है। GPIO पोर्ट क्या होता है, जो मदरबोर्ड पे पिंस होती है ना, तो वो जो पिंस होती है वो पिन, देखिए ये इस तरह से, ये जो देख रहे हो आप, ऐसे अलग अलग आपको वहां पे कनेक्टर्स मिलेंगे। ये पिंस आपको मदरबोर्ड पे मिल सकती है, अलग अलग टाइप की पिंस आपको लैपटॉप मदरबोर्ड पे भी मिल सकती है, ठीक है। मतलब दूसरे एक्सटेंड कनेक्शन एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे GPIO पोर्ट से, ठीक है। उसके बाद सीरियल पोर्ट, लैपटॉप को अगर आपके सीरियल पोर्ट है, अभी ये तो एम्बेडेड कंट्रोल है, थोड़ा पुराना टाइप का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉच डॉग टाइमर, ये थोड़ा पुराना है ना। यहाँ पे देखिए फैन स्पीड कंट्रोल एंड मॉनिटर, तो ये सब फैन स्पीड जो है कहाँ से कंट्रोल होता है, और मॉनिटर कहाँ से होता है, आपके सुपर आयो से। उसके बाद पैरेलल पोर्ट हो गया आपका, जहाँ पे हम प्रिंटर वगैरह प्रिंटर का कनेक्शन लगाते हैं, ये फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर हो गया, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे ये रीड डाटा राइट डाटा, मतलब ये सब कंट्रोल्स कहाँ से होते हैं, सुपर आयो से। उसके बाद सिस्टम बैकअप, ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्कैमेटिक्स ओपन करके रखी है, तो हम देखेंगे वन बाय वन के उस स्कैमेटिक में सुपर आयो कहाँ पे और कैसे, उसका कौन से कंपनी का है और नंबर क्या क्या है, ठीक है। वो देखेंगे हम
एक एक करके। देखो ये एक लैपटॉप है और इस लैपटॉप का सुपरवाइजर जो है वो यहाँ पे है IT8518। ठीक है, और यहाँ पे जो ये सुपर आयो है, देखिए देख सकते हो आप, इसके बाजू में ही आपको ये क्रिस्टल मिलेगा, जैसे कि मैंने थ्योरी में बताया था 32.768 किलो हर्ट्स का, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अब ये सुपर आयो जो है वो क्या क्या कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम से दिया गया है। सबसे पहले तो आपका जो ईसी बायस है, एसपीआई फ्लैश, इसे ईसी बायस कहा जाता है, तो ईसी बायस कंट्रोल का काम ये चिप करता है। उसके बाद आपका इंटरनल कीबोर्ड, उसके बाद टच पैड और बैटरी चार्जर। ठीक है, तो ये कंट्रोल कहाँ से होता है? आपके सुपर आयो चिप से। ठीक है, तो देखिए अभी सुपर आयो चिप कहाँ पे है, 28 पेज नंबर, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 28 पेज नंबर, तो अभी हम 28 पेज नंबर पे जाके देखेंगे। ठीक है, ये है आपका IT8518 सुपर आयो चिप। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है, जैसे ये PWM सेक्शन हो गया, बैकअप सेक्शन, एडाप्टर और बैटरी का जो सेक्शन है वो यहाँ पे है, उसके बाद ये क्लॉक जनरेटर सेक्शन, यहाँ पे आपका ये कीबोर्ड का सेक्शन है, कीबोर्ड का सब बसेस जो है यहाँ से निकलती है, SPI जो एनेबल पल्स जो है, मतलब यहाँ से ये जो सुपर आयो चिप एक मैनेजर की तरह काम करता है, और जो सारे सेक्शन है वो कंट्रोल करने का काम ये सुपर आयो करते रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब उस सेक्शन के लिए जो सिग्नल जाता है, जो पल्स जाती है, तभी उधर का वहाँ का जैसे PWM सेक्शन हो गया, जब यहाँ से सुपर आयो जब चिप चाहेगा तभी यहाँ से वो जो पल्स निकलेगी, पल्स निकलने के बाद वहाँ पे जो मॉस्फेट्स लगे हुए होते हैं वो मॉस्फेट्स एक्टिवेट हो गए, और वहाँ का जो पावर सप्लाई वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और ऑफ भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सुपर आयो चिप काम करता है। तो ये हो गया हमारा एक सुपर आयो चिप। दूसरा हम देखते हैं, ओके, अब ब्लॉक डायग्राम में देखिए, अब ये ब्लॉक डायग्राम आप ध्यान में रखना होगा आपको। देखिए यहाँ पे एक ये सुपर आयो चिप है, ये एम्बेडेड कंट्रोलर चिप है, जो इसी देखिए यहाँ पे ईसी ईसी करके दर्शाया गया है। ईसी मतलब क्या? एम्बेडेड कंट्रोलर। ठीक है, और ये ENE कंपनी का है। ठीक है, और ये नंबर है उसका KB9012। ठीक है, और यहाँ पे क्या कंट्रोल कर रहा है वो? टच पैड, थर्मल सेंसर और इंटरनल कीबोर्ड, मतलब लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है ना और टच पैड होता है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, और थर्मल सेंसर। थर्मल सेंसर का मतलब क्या होता है कि जैसे सीपीयू के ऊपर जो हीट सिंक लगा हुआ होता है ना, जब सीपीयू हीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका फैन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है और ऑटोमेटिकली फास्ट भी हो जाता है। तो वो कहाँ से कंट्रोल होता है? इसी थर्मल सेंसर से। ठीक है, एक बार देखते हैं, हम पेज नंबर 42 पे है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका, ये हमारा एम्बेडेड कंट्रोलर चिप है। यहाँ पे PWM आउटपुट हो गया, यहाँ पे LPC एंड मिसेलेनियस डिवाइसेस के लिए हो गया, एडाप्टर के लिए हो गया, बैटरी के लिए हो गया, PS2 इंटरफेस है, ये इंटरनल कीबोर्ड है। देखिए इंटरनल कीबोर्ड के सारे जो मैट्रिक्स, मतलब जो भी कीज होती है, यहाँ से वही उसी का कंट्रोल होता है। इस पे फ्लैश हो, मतलब जो ईसी बायस है यहाँ से कंट्रोल होता है, और बाकी सेक्शन सब GPIO, GPIO, GPI, GPIO, मतलब ये आपको मैनली क्या ध्यान में रखना है कि ये जो टच पैड, इंटरनल कीबोर्ड और थर्मल सेंसर, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में आपको सब दिखाई देगा कि एम्बेडेड कंट्रोलर मैनली क्या मैनेज करता है, क्या कंट्रोल करता है। ठीक है, चलो अभी और एक देखते हैं हम, जो अभी है हमारे सामने। ठीक है, ये वाला एक एम्बेडेड कंट्रोलर है, ये विनमोन का है, WPC E773L, और ये क्या कंट्रोल कर रहा है? देखिए यहाँ पे ये कंट्रोल कर रहा है फ्लैश रोम, यानी आपका बायस, उसके बाद टच पैड, इंटरनल कीबोर्ड और थर्मल एंड फैन कंट्रोलर। क्या? थर्मल एंड
फैन कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ से लैपटॉप का जो टेम्परेचर सेंसिंग का काम जो होता है यही से होता है, ठीक है। तो अभी हम इसे 24 पेज नंबर पे जाके ओके, देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आपको ये चिप दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका एडाप्टर इनपुट आपका बैटरी के लिए, उसके बाद एलपीसी बसेस, एसएमबी बसेस, एसपीआई जो हमारा जो चिप है 22 चिप, उसके लिए सीरियल और आईआर पोर्ट के लिए, जीपीआईओ पोर्ट के लिए, तो ये सारा कंट्रोलिंग करने का काम करता है, ठीक है। और एक देखते हैं हम, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चिप है, सॉरी ये जो मदरबोर्ड है ये है LA D661, ठीक है, और 1P। और इसमें मैं आपको दिखाऊं तो ये AMD का चिप है, देख सकते हैं आप, ये AMD FP4 APU, ये चिप है, 968 बॉल्स है इसमें, ठीक है। इसे ब्रिस्टल रिज, ठीक है, इसे ब्रिस्टल रिज चिप भी आप कह सकते हो, ठीक है। और इसमें मैं दिखाता हूँ आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में HDMI कनेक्टर और EDP कनेक्टर जो है USB 2.0, तो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और राइट साइड में ये आपका DDR3 रैम है, और ये दो स्लॉट है, X2 मतलब क्या, ये दो स्लॉट और 204 पिन यहाँ पे बताया गया है। और इस चिप का, इस सॉकेट के लिए जो पावर सप्लाई है वो कितना है, 1.5 वोल्ट, ठीक है। और इसके नीचे USB 2.0 का यहाँ पे सप्लाई दिखाया गया है, और आप देख सकते हो ये USB कनेक्टर है, उसके बाद ये टच स्क्रीन के लिए यहाँ से गया है, उसके बाद कार्ड रीडर है, कैमरा है, और वाईफाई ब्लूटूथ ये कॉम्बो यहाँ पे ये पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद USB 3.0 का एक पोर्ट ही है, और उसके बाद यहाँ पे ऑडियो IC, उसके बाद यहाँ पे साटा जो हार्ड डिस्क कनेक्टर है, और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव कनेक्टर है, यानी डीवीडी राइटर कनेक्शन कनेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे टच स्क्रीन है ये, तो ये रिजर्व है एक्चुअली, इसे हम ऑप्शनल भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो PTP है, एक पोर्ट जो है यहाँ पे दिखाया गया है, CZ BR SR, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे ENE KBC, ये आपका सुपर आयो चिप है, और सुपर आयो चिप से यहाँ पे जो इंटेल कीबोर्ड है और आपका टच पैड, इसका कनेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद ये बायस है आपका, ATMB का बायस यहाँ पे आपको दिखाया गया है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप ये PCI जो बस है, PCIe बस, यहाँ पे लैन का कनेक्शन है आपका, और आपका वाईफाई ब्लूटूथ का कनेक्शन है, ठीक है। और ये RJ45, यहाँ पे एक्चुअली RJ45 का यही लैन कनेक्शन होता है, ठीक है, ये कोई अलग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ RJ45 यहाँ पे कनेक्टर होता है, ठीक है। ये मतलब ये चिप जो है RTL8111GUS, ये चिप काम करती है RJ45 कनेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये सारा मतलब जैसे डिवाइडेड रहता है तीन चिप में, ICH, MCH और प्रोसेसर, तो ये एक ही चिप यहाँ पे बनाया गया है AMD ने, और इसे अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है इसका। और यहाँ पे देख सकते हैं इस मदरबोर्ड के लिए एक ही सब बोर्ड है, और उस सब बोर्ड में क्या है, कार्ड रीडर है यहाँ पे, और ऑडियो और USB, ठीक है, ये तीनों चीजें इस सब बोर्ड में दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो देखा ब्लॉक डायग्राम होता है, ये एक ही चिप है, आपने शायद, मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इससे पहले जो एक्सप्लेन किया है वो एक तो प्रोसेसर अलग से है, और उसमें एक चिप मतलब जिसे हम PCH कहते हैं, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, ब्रिस्टल रिज,
या फिर एपी फॉर चीप। ठीक है, तो इस तरह से ये मदरबोर्ड है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और देखते रहिए हिट शॉट फिल्म्स। थैंक यू।